एक बार फिर से मैं न्यू चैलेंज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे शहर में, विभाग में मचा हड़कंप। यानी मुजफ्फरपुर में पहुंचे के पाठक, पहुंचते ही पूरे विभाग में मच गया हड़कंप और एक पर एक नया निर्देश जारी करते जा रहे हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। एक और निर्देश जारी किया गया है के पाठक के द्वारा। एक अधिकारी लगातार 15 दिन तक जाएंगे एक स्कूल में। श्री पाठक ने स्कूली व्यवस्था में सुधार के लिए एक एक अधिकारी को एक एक स्कूल में लगातार 15 दिनों तक जाने की जवाबदेही दी है। हर 4 दिन पर अधिकारियों को यह बताना होगा कि सुधार क्या हुआ। हर मंगलवार एवं शुक्रवार को स्कूल की पहले और अब तस्वीर भी देनी होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आने के सूचना से बुधवार को शिक्षा विभाग अलर्ट रहा। कार्यालय से लेकर स्कूल में घंटी बजती रही। देर शाम सर्किट हाउस में अपर मुख्य सचिव के पाठक पहुंचे। पूर्णिया जाने के क्रम में अपर मुख्य सचिव शहर में पहुंचे थे, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की और डीओ अजय कुमार सिंह से स्कूल संबंधी जानकारी भी ली। हालांकि इस दौरान कोई भी विभागीय समीक्षा नहीं की गई। सर्किट हाउस से शिक्षा विभाग के कार्यालय में पहुंचकर खबर लिए और वहां से पूर्णिया के लिए प्रस्थान कर गए। और आपको बता दें कि आज अपर मुख्य सचिव के पाठक का जो प्रोग्राम है, भ्रमण का जो निरीक्षण का प्रोग्राम है, वह अररिया का है। आज अररिया में 12:30 बजे तक उनका आगमन हो जाएगा। वहीं 12:30 बजे आपको उत्क्रमित मध्य विद्यालय गैयारी में रहेंगे। उसके बाद आपको 12:50 में कन्या प्राथमिक विद्यालय गैयारी का निरीक्षण करेंगे और वहां तक 20 मिनट तक रहेंगे। उसके बाद वहां से निकलेंगे। मध्य विद्यालय रहिका टोला दक्षिणी का भी निरीक्षण करेंगे 1:10 पर। वहां पर भी 15 से 20 मिनट रहेंगे और उसके बाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय जयप्रकाश नगर KGBV का निरीक्षण करेंगे और वहां से आपको 1:30 बजे निकल जाएंगे और उसके बाद फिर से आपको दोपहर में विश्राम करेंगे और दोपहर में 2:30 बजे के बाद राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय अररिया का निरीक्षण 3 बजे करीब करेंगे और 3:03 पर आपको कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया का निरीक्षण करेंगे और 4 बजे अररिया से पुनः प्रस्थान कर जाएंगे पटना के लिए। तो आप सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि आप सभी अलर्ट मोड पर रहें और समय से विद्यालय जाएं, समय पर ही विद्यालय को छोड़े, क्योंकि लगातार अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा नया फरमान जारी किया जा रहा है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बनाए रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।